हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ चाउमीन बनाना। सो ये देखिए, ये मैंने चाउमीन को दो हिस्सों में तोड़ के रख दी हूँ गैस पर। गैस पर मैं पानी को गर्म कर लिया है कढ़ाई पर। अभी हम चाउमीन को इसके अंदर डालेंगे। हम पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिए थे पहले से ही। अभी हमने चाउमीन को डाल दिए हैं। अभी इसको हम 5 मिनट कुक होने देंगे। फिर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरे वीडियो एंड तक देखिए। और घर पर ज़रूर ट्राई करना। देखिए गाइस, ये हमारा चाउमीन कुक हो गया है ऑलरेडी। देखिए, इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ। अभी हम इसको और एक प्लेट में निकाल लेंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। देखिए कैसे में अच्छे से बॉयल हुआ है, ओवर कुक नहीं हुआ है, खिले खिले हैं। तो अभी हम बनाते हैं चाउमीन। देखिए गाइस, ये गाजर है, ये शिमला मिर्च है, ये ग्रीन चिली है और ये कैबेज है। हम कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल डाल दिए हैं। अभी हम इसमें डालेंगे ये ग्रीन चिली। फिर ये कैरेट, गाजर, हम शिमला मिर्च का भी, इसको हम बढ़ा देंगे। फिर जाकर हम पत्ता गोभी डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गए हैं। अभी हम इसके ऊपर डाल देंगे ये पत्ता गोभी, जिसको हमने बारीक से काटे हैं। अभी इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, प्याज, चिली पाउडर। थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी हम डालेंगे इसमें। मैंने मेरे स्टाइल में बना रही हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ। आप अपने, हर कोई अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन इसे आप ज़रूर ट्राई करना। अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मैगी मसाला। ये देखिए हो गए हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे चाउमीन को। हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, नहीं तो ये हमारा नीचे से जल जाएगा। देखिए, ये हमने मिक्स कर लिए हैं। अभी हम इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा सा केचप।
आपको जितनी पसंद है तो आप डालना, नहीं तो स्किप कर देना। लेकिन ये टमाटो केचप डालने से ही इसका स्वाद बढ़ता है। आप चाहे तो सोया सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती, मेरे को अच्छा नहीं लगता। सो फ्रेंड्स, ये हमारा चाउमीन बन के रेडी हो गया है। अभी हम आपको प्लेट में लगा कर दिखा। देखिए गाइस, ये हमारा रेडी हो गया है। देखिए, हम प्लेट में भी लगा लिए हैं। और आपको और ज़्यादा केचप लगाना है तो प्लेट के ऊपर भी हम लगा सकते हैं इसमें। सो गाइस, हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ये घर पर ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी भी है और बाजार से तो बहुत ही अच्छी है घर पर। सो गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।